नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको ये स्वेटर का डिजाइन बनाना बताने जा रही हूँ। ये देखिए, ये हमारे 10 के सेट में डिजाइन बना है। बहुत खूबसूरत डिजाइन है, आप किसी में भी डालिए स्वेटर में, आप कार्डिगन वगैरह में, सभी में बहुत खूबसूरत लगता है। आपको मेरा डिजाइन अच्छा लगे तो आप लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब के बगल में बेल आइकन जरूर दबाइए, जिससे मेरा अगली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको पहले मिले। ये डिजाइन हमारी 10 के सेट में है, तो मैंने इसमें 25 फंदे का बनाया है, 10 दूनी 20 और प्लस 5 फंदे हमने ऐड करने हैं लास्ट में। ये देखिए इस तरह से बनाना है। पहला फंदा हम उतार लेंगे, ये देखिए इस तरह धागा आगे करेंगे और 1 2 3 4 चार फंदे हम सीधे उल्टे बिनेंगे, धागा पीछे करेंगे और ये देखिए अब यहीं से मैं पहले ही फंदे से मैं डिजाइन स्टार्ट करूंगी, इसलिए मैं आपको बता रही हूँ। ये देखिए इस तरह से पहले फंदे से ये हमें डिजाइन स्टार्ट हो रही है और ये देखिए हमने 2 फंदे उतार लिए इस सिलाई में, धागा पीछे करेंगे और ये मैं 3 फंदे बिन लूंगी, 1 2 3 3 फंदे हमने बिन लिए। अब ये 2 फंदे को हम इसी सिलाई में ऐसे करके इन फंदों को हम सीधा बिनेंगे। ये देखिए 3 फंदे बिन लिए, अब ये 2 फंदों को भी हम ये सीधा सीधा बिन लेंगे। ये देखिए तो ये हमारे 5 फंदे हैं, इनको ये देखिए इस तरह से हम इनको सीधा बिनेंगे, धागा आगे लाएंगे, फिर हम 5 फंदे उल्टे बिनेंगे, 1 2 3 4 5 5 फंदे हमने उल्टे बिने, धागा पीछे करेंगे, फिर उसी तरह से 5 फंदों को फिर हम ट्विस्ट करेंगे। ये देखिए 2 फंदे हम इस सलाई में ले लेंगे, ये देखिए इस तरह से, अभी पीछे के 3 फंदे बिन लेंगे सीधे सीधे, ये देखिए इस तरह से 1 2 3 3 फंदे हमने बिन लिए सीधे। अब ये 2 फंदे को हम इसी सलाई में फिर से डाल देंगे और ये देखिए इसको इस तरह से हम घुमा के और इनको भी हम सीधा सीधा बिन लेंगे, तो ये 4 और ये 5, 5 फंदे हमारे हो गए, धागा आगे लाएंगे और फिर ये लास्ट में हमारे 5 फंदे रहेंगे, इनको हम उल्टा उल्टा बिनेंगे, 1 2 3 4 ये 5 5 फंदे हमने उल्टे उल्टे बिन लिए। अब हमारी ये दूसरी सलाई है और ये देखिए दूसरी सलाई, अब पहला फंदा हम उतार लेंगे और ये हम 4 फंदे सीधे बिनेंगे, 1 2 3 4 4 फंदे हमने सीधे बिने, धागा पीछे करेंगे और ये देखिए 1 2 2 फंदे हम सीधे बिनेंगे, धागा पीछे करेंगे, 1 फंदा हम उल्टा करेंगे, 1 फिर धागा आगे, फिर 2 फंदे सीधे, 1 2 धागा पीछे, फिर हम 5 फंदे उल्टे बनाएंगे। ये देखिए इस तरह से 1 2 3 4 5 5 फंदे हमने ये देखिए सीधे बिन लिए, धागा पीछे लाएंगे। अब ये 5 फंदे वो हैं जो हमने इनको ट्विस्ट किए थे, अब इनमें से हम 2 फंदे बिनेंगे उल्टे, ये देखिए हमारे उल्टी साइड में ये फंदे उल्टे हैं, फिर धागा पीछे लाएंगे, फिर 1 फंदे को सीधा, फिर धागा आगे, फिर 2 फंदे हम उल्टे, ये देखिए फिर धागा पीछे करेंगे, 5 फंदे हम सीधे बनाएंगे, 1 2 3 4 5 5 फंदे हमने सीधे मिले। अब ये हमने दूसरी सलाई कंप्लीट कर ली, अब हमारी ये तीसरी सलाई, ये देखिए इस तरह से 1 फंदा उतार लिया और ये हम 4 फंदे, 1 2 3 4 4 फंदे हमने उल्टे बिन लिए, धागा पीछे करेंगे और ये देखिए 1 2 2 फंदे हमने सीधा बिन लिया, 1 फंदा ये जो हमने उल्टा बिना था इस फंदे के, ये देखिए यहाँ से हम 1 फंदा बढ़ा लेंगे, तो ये देखिए इस तरह से हम 1 फंदा हमने बढ़ा लिया, तो 1 फंदा उल्टा हो गया, 2 2 फंदे हो गए हमारे उल्टे, धागा पीछे, ये 2 फंदे सीधे, ये देखिए इस तरह से 2 फंदे सीधे हो गए, धागा आगे लाएंगे। ये हमारी तीसरी सलाई है, ध्यान रखिए 1 2 3 4 5 5 फंदे उल्टे, धागा पीछे, फिर हम 2 फंदे ये देखिए सीधे बिने, फिर धागा आगे लाएंगे और इस फंदे से फिर हम 1 फंदा और बढ़ा लेंगे, तो ये देखिए 2 2 फंदे हो गए,
उल्टे धागा पीछे, ये देखिए दो फंदे सीधे, फिर पांच फंदे लास्ट में उल्टे, देखिए दो तीन चार पांच, पांच फंदे हमने उल्टे बने। अब हमारी चौथी सिलाई, पहला फंदा उतारेंगे और ये एक दो तीन चार, चार फंदे हमने सीधे बने, धागा पीछे और दो फंदे उल्टे, धागा पीछे करेंगे फिर दो फंदे सीधे, एक दो, दो फंदे सीधे, धागा फिर पीछे लाएंगे, दो फंदे, ये धागा आगे लाके दो फंदे हम उल्टे बिनेंगे, फिर धागा पीछे, पांच फंदे सीधे, एक जो दो तीन चार पांच, ये पांच फंदे हमारे वो हैं जो हम बीच में उल्टे बनाए थे, धागा पीछे लाएंगे। अब ये दो हमारे डिजाइन वाले फंदे हैं, दो फंदे सीधे और दो फंदे वो हैं जो हमने उल्टे बिने थे, एक फंदा उल्टा बिना था एक बढ़ाया था, तो हमारे इस साइड में दो फंदे हो गए और ये दो फंदे फिर उल्टे, धागा पीछे और ये हमारे फंदे दो तीन चार पांच, पांच फंदे हमने सीधे बिन लिए, ये देखिए। अब हमारी पांचवी सिलाई, पहला फंदा उतारेंगे, ये देखिए धागा, अब ये चार फंदे हम उल्टे बिनेंगे, उल्टे बिन लिए, धागा पीछे करेंगे, अब दो फंदे हम फिर से सीधे बिनेंगे, अब ये उल्टे फंदे आ गए, धागा आगे करेंगे, फिर एक फंदा हम बढ़ा लेंगे, ये देखिए ये भी हमारे यहाँ पे तीन फंदे उल्टे हो गए, एक दो तीन, तीन फंदे उल्टे, धागा पीछे, दो फंदे, एक दो, दो फंदे सीधे, धागा आगे और ये पांच फंदे उल्टे, दो तीन चार पांच, पांच फंदे धागा पीछे करेंगे, फिर हम एक दो, दो फंदे ये देखिए जो हमारे ये सीधे जा रहे हैं डिजाइन के, उनको सीधा बिनेंगे, फिर धागा आगे करेंगे, फिर एक फंदा यहाँ दो का, एक फंदा इधर बढ़ेंगे, तो अभी हमारे यहाँ पे तीन फंदे बढ़ गए, दो तीन, धागा पीछे, दो फंदे, फिर धागा, पांच फंदे फिर उल्टे, तो ये हमारी पांचवी सिलाई कंप्लीट हो गई, ये देखिए पांचवी सिलाई हमने कंप्लीट कर ली और ये हमारी ये पीछे साइड में है। अब ये फंदे जो इस साइड उल्टे हैं वो पीछे साइड सीधे होंगे, तो ये देखिए मैं एक बार और बता रही हूँ। अब ये हमारी छठवीं सिलाई, धागा एक फंदा उतार लिया, अब ये एक दो तीन चार, चार फंदे हमने सीधे बिन लिए, धागा आगे लाएंगे, दो फंदे डिजाइन वाले हैं उल्टे, फिर धागा पीछे, अब हमारे यहाँ पे तीन फंदे हो गए, एक दो तीन, तीन फंदे इनको हम सीधा बिनेंगे, धागा पीछे, दो फंदे उल्टे, अब ये देखिए फिर पीछे करेंगे, फिर ये पांच फंदे हमारे डिजाइन वाले हैं, इनको हम सीधा बिनेंगे, जो आगे की तरफ उल्टे हैं पीछे की तरफ ये सीधे हो जाते हैं पूरा। अब हम सेम इसी तरह से, ये देखिए एक दो फंदे हमने सीधे बिने, धागा पीछे, फिर तीन फंदे, एक दो तीन, तीन फंदे उल्टे, धागा पीछे, दो फंदे, धागा पीछे, अब ये पांच फंदे, तो ये हमारी छठवीं सिलाई कंप्लीट हो गई। अब हम सातवीं सिलाई पे आ गए, ये देखिए सातवीं सिलाई पे आ गए, पहला फंदा फिर से उतारेंगे और चार फंदे उल्टे, एक दो तीन चार, चार फंदे उल्टे, धागा पीछे, अब ये देखिए हमारी डिजाइन दिख रही है, तो ये दो फंदे सीधे हैं, इनको दो फंदे सीधे, एक दो, दो फंदे सीधे भी नहीं, फिर धागा आगे करेंगे, फिर हमारी अभी यहाँ पे तीन है, एक फंदा हम और बढ़ा लेंगे, इससे देखिए इस तरह से बढ़ाएंगे, ये देखिए अब हमारे यहाँ पे हो गए चार, धागा ये देखिए अब एक फंदा हमने बढ़ा लिया, दो तीन चार, चार फंदे हमारे उल्टे गए, धागा पीछे, अब ये दो फंदे हम सीधे, फिर धागा आगे लाएंगे और ये देखिए पांच फंदे उल्टे, एक दो तीन चार पांच, पांच फंदे हमने उल्टे बिने, धागा पीछे किया, अब ये देखिए हमारी डिजाइन के फंदे, दो फंदे सीधे, एक दो, दो फंदे सीधे, धागा आगे लाएंगे और ये देखिए हम इस तरह से डिजाइन को, एक दो, दो एक दो तीन
चार फंदे हमने उल्टे बिने, धागा पीछे। अब ये दो फंदे, एक दो, दो फंदे सीधे। अब ये लास्ट के पांच फंदे हमारे उल्टे। ये देखिए, ये सातवीं सिलाई कंप्लीट हुई। अब हम आठवीं सिलाई में आ गए और आठवीं सिलाई में ये देखिए इस तरह से पहला फंदा उतारा और ये चार फंदे हमारे इस साइड में सीधे हो गए। इनको हम सीधा सीधा बीन लेंगे। ये देखिए बीन लिए, धागा आगे लाएंगे, दो फंदे उल्टे, धागा पीछे। अब हम यहाँ पे हो गए हमारे एक दो तीन चार, चार फंदे उल्टे हो गए, धागा पीछे लेंगे, दो फंदे धागा आगे लाएंगे, दो फंदे उल्टे, धागा पीछे, पांच फंदे फिर से, एक दो तीन चार पांच, पांच फंदे हो गए, धागा आगे, दो फंदे उल्टे, फिर धागा पीछे। ये चार फंदे वो हैं जो यहाँ पे हम डिजाइन के अंदर उल्टे उल्टे बना रहे हैं, एक दो तीन चार, धागा आगे लेंगे, दो फंदे, फिर धागा, पूरे पांच फंदे लास्ट वाले उल्टे। तो ये हमारी आठवीं सिलाई कंप्लीट हो गई, धागा आगे लाएंगे। अब ये देखिए इस तरह से, अब हम पहला फंदा फिर उतारेंगे। देखिए अब डिजाइन कितनी खूबसूरत आ रही है। अब पहला फंदा उतारेंगे, दो फंदे हम, दो तीन चार, चार फंदे हमने उल्टे बिने, धागा पीछे। अब हम दो फंदे फिर से सीधे, एक दो, डिजाइन वाले दो फंदे। अब इस डिजाइन में एक फंदा हम और बढ़ा लेंगे और ये हमारी नौवीं सिलाई है। ये देखिए इस तरह से, फिर एक फंदे, एक फंदा बनाया, एक दो तीन चार पांच, ये हमारे पांच फंदे उल्टे हो गए। फिर दो फंदे ये देखिए सीधे, ये देखिए दो फंदे सीधे, धागा आगे लाएंगे और ये बीच वाले जो हमने डिजाइन को बराबर करने के लिए पांच फंदे, एक दो तीन चार पांच, पांच फंदे उल्टे बनाए हैं जो हमारी डिजाइन को एक बराबर करते हैं। फिर हम दो फंदे फिर सीधे, एक दो, फिर धागा आगे, ये देखिए मड़ी है, फिर एक फंदा फिर बढ़ा लेंगे इस तरह से, पांच फंदे हमारे फिर हो गए ये, एक दो तीन चार पांच, पांच फंदे, धागा पीछे और ये दो फंदे सीधे, फिर धागा आगे, पांच फंदे उल्टे। तो ये हमारी नवी सिलाई कंप्लीट हो गई। ये देखिए हमने नवी सिलाई कंप्लीट किया। अब हम दसवीं सिलाई पे, ये देखिए पहला फंदा उतार लिया, चार फंदे सीधे, एक दो तीन चार, चार फंदे हमने सीधे लेने, धागा आगे लाएंगे, दो फंदे उल्टे, ये दो, फिर धागा पीछे, इधर पांच फंदे हमारे बनेंगे सीधे, एक दो तीन चार पांच, पांच फंदे हमने सीधे मिले, धागा पीछे, दो फंदे उल्टे, एक दो, दो फंदे उल्टे, फिर पांच फंदे सीधे, एक दो तीन चार पांच, पांच फंदे हमने सीधे मिले, धागा आगे लाऊंगी, दो फंदे उल्टे, ये देखिए धागा फिर पीछे, फिर पांच फंदे सीधे, एक दो तीन चार पांच, पांच फंदे हमने सीधे, धागा आगे, एक दो फंदे उल्टे। अब ये दो पांच फंदे हमारे, ये तो हमारी दसवीं सिलाई कंप्लीट हो गई। अब ये हमारी दसवीं सिलाई कंप्लीट हो गई, देखिए डिजाइन इस तरह से दिख रही है। अब हम ग्यारहवीं सिलाई में, पहला फंदा उतारा और चार फंदे उल्टे, एक दो तीन चार, चार फंदे उल्टे, धागा पीछे। अब ये देखिए एक दो, दो फंदे हमने सीधे बिन लिए, ये देखिए। अब हम क्या करेंगे, ये देखिए इस तरह से, जहां से हमारा ये उल्टा फंदा स्टार्ट है शुरू से डिजाइन में, ये देखिए इस तरह से, यहाँ पे, यहाँ पे हम ऐसे सिलाई डालेंगे और इस फंदे को यहाँ से ऐसे करके एक बराबर रखेंगे, ना टाइट ना ढीला, फिर इसको ऐसे ऊपर चढ़ा देंगे, एक बार हो गया, फिर इसको पीछे करेंगे, दो, दो बार हमने कर लिया, फिर धागा इसके ऊपर चढ़ाएंगे, उसी जगह से सेम करना है, दो तीन, तीन, तीन बार कर लिया, फिर ये धागा चढ़ाया और ये ध्यान रखना है एक ही बार
बार बार एक ही जगह से निकालना है तुम्हें। ये देखिए चार चार बार, फिर धागा ऊपर, और ये देखिए इसको इस करके, फिर ये पांच, ये हमने पांच बार धागा करके निकाल लिया। ये देखिए इस तरह से, ये दो, ये देखिए इनको मैंने पांच बार निकाल तो लिया है। अब ये देखिए इसको हम इसमें कर देंगे, तो जाइए इसको हटा देती हूँ। अभी हमने ये पांच फंदे जो उल्टे हैं उनमें दो फंदे हम सीधे बिन लेंगे, एक दो, दो फंदे हमने सीधे बिन लिए। अब हमें फिर उसी जगह से जो शुरुआत है उल्टा फंदे की वहीं से निकालना है। ये देखिए यहाँ से हम सिलाई डालेंगे और यहाँ से ऐसे एक फंदा बिन लिया, एक बिन लिया, फिर धागा इसके ऊपर करेंगे, फिर उसी जगह से सेम डालेंगे, दो दो बार कर लिया, ये देखिए फिर धागा ऊपर, फिर उसी जगह डालेंगे, तीन, फिर धागा ऊपर, चार, फिर धागा ऊपर, पांच। ये ध्यान रखिए पांच बार हमने एक ही जगह से धागा इसी तरह से निकाल लिया। अब इनको हम इस सिलाई में करेंगे, ये देखिए सब फंदों को हम इक्वल कर लेंगे एक जैसे, और इधर ये हमारे ये तीन फंदे गांठ का, इसका एक फंदा और हम ले लेंगे। ये देखिए इस तरह से ये एक फंदा हमने गांठ वाला ले लिया, और ये हम यहाँ पे इन फंदों को एक साथ ऐसे करके सीधा बिन लेंगे। ये देखिए हमने सीधा बिन लिया, तो जो हमारे पांच फंदे थे एक फंदा हमने इसमें निकाल दिया और धागा आगे। अब दो फंदे फिर हम उल्टे बिनेंगे, एक दो, दो फंदे उल्टे बिने, तो ये देखिए हमारे पांच फंदे बीच में थे वो पांच हो गए, दो ये बिन लिया, एक फंदा इसके साथ में, और ये दो फंदे हम फिर से सीधे, एक दो, ये हमारी ग्यारहवीं सिलाई है। फिर धागा आगे पांच फंदे फिर से ये बीच वाले उल्टे, दो तीन चार पांच, पांच फंदे उल्टे, धागा पीछे। अब ये देखिए दो फंदे, एक दो, दो फंदे हमने सीधे किए, अब दो फंदे और बिन लेंगे, दो दो फंदे हमने, चार फंदे सीधे बिन लिए। अब देखिए सेम उसी जगह से हम फिर निकालेंगे जहां से गांठ का पहला फंदा शुरू हुआ था। ये देखिए इस तरह से एक बार वो किया, धागा इसके ऊपर डाल, फिर दो, फिर धागा ऊपर, तीन, तीन बार, फिर धागा ऊपर, चार, फिर धागा ऊपर, पांच। ये देखिए पांच बार हमने फिर से कर लिया। अब इन फंदों को इसमें, ये देखिए इस तरह से हम इसमें पिरो लेंगे, एक फंदा इधर से ले लेंगे, जो तीन फंदे गांठ का है एक फंदा ले लेंगे, और इसको हम इस तरह से डबल करके ऐसे निकाल लेंगे फंदे, ये डबल किया, एक ही रखेंगे, फिर इसको ऐसे आगे लाएंगे धागा, और ये दो फंदे हम फिर से उल्टे बिनेंगे, एक दो, धागा पीछे, दो फंदे सीधे। इसी तरह से ये देखिए हमारी पूरी डिजाइन कंप्लीट होगी। ये देखिए धागा पूरे उल्टे फंदे हमने उल्टे उल्टे बिन लिया। अब ये देखिए हम उल्टी सिलाई, अब ये हमारी पहला फंदा उतारेंगे, और ये देखिए एक दो तीन चार, चार फंदे हमने उल्टे बिन लिए, सीधे बिन लिए, धागा पीछे लाएंगे, फिर दो फंदे हम उल्टे, दो फंदे। अब ये देखिए हमारे जो बीच में पांच फंदे हैं, इन पांच फंदों को हम, ये देखिए इस तरह से दो तीन चार पांच, इन पांच फंदों को हम एक साथ सिलाई में ले लेंगे। ये देखिए इस तरह से इन पांच फंदों को हम एक साथ ले लेंगे। ये देखिए हमारे पांच फंदे, इनको हम एक साथ लेके और ये उल्टा इस तरह से निकाल देंगे, पांच फंदे का हम एक फंदा, ये देखिए इस तरह से कर दें। अब धागा आगे लाएंगे और दो फंदे हम फिर से उल्टे बिनेंगे,
ये देखिए धागा पीछे, और ये देखिए एक दो तीन चार पांच फंदे हमने फिर से सीधे बिने, धागा पीछे, दो फंदे उल्टे, इस तरह से दो फंदे धागा पीछे करेंगे। अब हम फिर इसी तरह पांच फंदों को हम, ये हमारी इस साइड में फंदा ये हमारा उल्टा होगा सीधी साइड में, और ये अभी हम पांच फंदे को सीधा बिनेंगे। ये देखिए एक दो तीन चार पांच, ये पांच फंदे हमने एक साथ ले लिए, इसको हम इस तरह से सीधा बना लेंगे। ये देखिए सीधा बिन लिया, धागा पीछे लाएंगे और दो फंदे हमारे उल्टे, धागा पीछे, पांच फंदे सीधे, एक दो तीन चार पांच, पांच फंदे हमने सीधे बिन लिए। अब ये देखिए हमारी दसवीं सिलाई कंप्लीट हो गई, ग्यारहवीं। अब हम फिर से बारहवीं सिलाई पे आ गए। ये देखिए पहला फंदा उतारेंगे और ये देखिए एक दो तीन चार, चार फंदे हमने उल्टे बिने, धागा पीछे। अब हम सेम शुरू में जैसे डिजाइन ट्विस्ट की थी सेम इसी तरह से करेंगे। ये हमारी बारह फंदे की है, इसलिए अब हम तीन फंदे पीछे वाले, ये देखिए दो फंदे हम ये एक सिलाई में ले लेंगे, या आप टूटपी कालपेन में किसी में भी ले लीजिए, या आप बदल लें तो सेम ऐसे बदल सकते हैं, तो आप ट्विस्ट कर लीजिए। ये देखिए तीन फंदे हम इनको हम आगे करेंगे, और ये दो फंदे को इस तरह से पीछे, ये देखिए दो फंदे हमने इसमें पिरो दिए, और तीन फंदे हम फिर से एक दो तीन इसी में डाल दिए। अब इन फंदों को हम सीधा सीधा बिनेंगे, एक दो तीन चार पांच, पांच फंदे हमने ये देखिए, और ये देखिए हमारी डिजाइन कितनी खूबसूरत बन गई। पांच फंदे ये हमने सीधे बिने, धागा आगे लाएंगे, फिर पांच फंदे उल्टे, एक दो तीन चार पांच, पांच फंदे उल्टे, धागा पीछे, फिर हम फिर इसी तरह से दो फंदे, ये देखिए अब हमको ये फंदे ट्विस्ट करने हैं, तो ये देखिए दो फंदे हम फिर से इस सिलाई में ऐसे आगे ले लेंगे। अब ये या तो फिर इस तरह से मैंने आगे ले लिया, या तो फिर ऐसे आप बिन सकते हैं, तीन फंदे ये बिन लो, एक दो तीन, मैंने दोनों तरह से आपको बता दिया, आप जैसा चाहें फिर ये दो फंदे इसमें सिलाई में वो कर देंगे, और इनको ऐसे लाके कर देंगे जैसी आपको सुविधा लगे। अब अपने हिसाब से फंदों को ट्विस्ट करिए, ये देखिए एक दो, ये हमने पांच फंदे हो गए हमारे सीधे, धागा पीछे, और ये पूरी लाइन, ये देखिए पांच फंदे उल्टे, ये देखिए इस तरह से, ये देखिए डिजाइन हमारी सेम बन के तैयार हो गई। अब हम उल्टी सिलाई में, ये देखिए ये एक फंदा उतार लिया, और ये चार फंदे जो हमारे सीधे हैं, ये देखिए शुरू से ये पूरा लास्ट तक ऐसे ही सीधे जाएंगे। ये देखिए चार फंदे सीधे, एक दो तीन चार पांच, पांच फंदे हैं, एक फंदा मैं उतार लेती हूँ, चार फंदे सीधे बनते, धागा पीछे लाएंगे। अब इसमें दो फंदे हम जैसे पहले की तरह दो सीधे बनाएंगे, धागा पीछे, ये देखिए दो फंदे हमने उल्टे बिने, ये देखिए इस तरह से, फिर धागा पीछे करेंगे, एक फंदा उल्टा बिनेंगे, फिर धागा आएंगे, फिर दो फंदे सीधे, एक दो, धागा पीछे। अब ये देखिए इस तरह से पांच फंदे उल्टे, एक दो तीन चार पांच, पांच फंदे हमने उल्टे बिने, धागा पीछे लाएंगे, और ये दो फंदे हम सीधे, एक दो, दो फंदे सीधे, धागा पीछे, और ये दो फंदे, एक फंदा उल्टा, धागा आगे, दो फंदे उल्टे, धागा पीछे, पांच फंदे सीधे। अब इसी तरह से हम सेम रिपीट करेंगे, तो अब ये हमारी दूसरी डिजाइन यहाँ से अब बनेगी। अब यहाँ पे मैंने ये फंदा उल्टा किया, फिर यहीं पे एक एक करके हर सिलाई में पांच फंदे बढ़ाएंगे, पांच फंदे बढ़ाने के बाद में फिर इस डिजाइन को हम इस तरह से कंप्लीट करते हैं। आपको मेरा डिजाइन कैसा लगा जरूर बताइए कमेंट करके। ये देखिए इस तरह से, ये देखिए फिर बनाएंगे तो इसी तरह से ये हमारी डिजाइन कंप्लीट होती है। नमस्कार।